मुझे स्पेशल ट्रेन की रफ्तार चाहिए, मुझे स्पेशल ट्रेन की रफ्तार चाहिए, हमको यूपी में साफ सुथरी सरकार चाहिए, हमको यूपी में साफ सुथरी सरकार चाहिए। अरे काहो मोदी का हक्का, अरे काहो मोदी का हक्का, कड़क तेलवा जैतून हो गई, काहो मोदी का हक्का, कड़क तेलवा जैतून हो गई, हर काहो मोदी काका, कड़क तेलवा जैतून हो गई, हरे अब का, हरे अब का सिलेंडर भरवई बा, अरे ई तो हजार से अब पार हो गई, काहो मोदी काका। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं गांव गाथा। हम लोग चुनावी सफर में निकले हुए हैं और आज हमारे साथ इस एपिसोड में एक लोक गायक से आपकी हम मुलाकात कराते हैं और आज हम लोग आपसे कुछ सुनेंगे चुनाव के बारे में, कुछ व्यंग्यात्मक गीत सुनेंगे। तो आज हमारे साथ भाई अमरेश पांडे जी हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम भाई। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ गानों के माध्यम से कुछ व्यंग हो जाए इन नेताओं के ऊपर और इस चुनाव के माहौल को जो थोड़ी सी हल्की गर्माहट है उसको ज्वाला में बदल दिया जाए। तो कहाँ से शुरुआत आप करेंगे आज? हम तो करेंगे, पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव है जी, और उत्तर प्रदेश में हमको और हमारे उत्तर प्रदेश के सभी आम जनमानस को एक साफ सुथरी सरकार चाहिए जी। उस पे हमको कहना ये गांव गाथा चैनल के माध्यम से जी, मुझे स्पेशल ट्रेन की रफ्तार चाहिए, मुझे स्पेशल ट्रेन की रफ्तार चाहिए, हमको यूपी में साफ सुथरी सरकार चाहिए, हमको यूपी में साफ सुथरी सरकार चाहिए। ये हमको चाहिए, उत्तर प्रदेश में साफ सुथरी सरकार चाहिए ताकि नौजवान को रोजगार प्राप्त हो और बेरोजगारी ना रहे, हर घर में खुशहाली रहे, हर व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अभी कोरोना ने बड़ा डिस्टर्ब किया था, मंच नहीं मिल पा रहा था और मंच ना हो पाने की वजह से जो है तमाम आर्थिक दुश्वारियां भी आई थी। अभी क्या कैसा चल रहा है, अभी मंच मिलने शुरू हो गए या फिर उसी तरह की समस्याएं चल रही हैं? देखिए मंच मिलने तो शुरू हो गए हैं जी, अब सुनाई दे रहा है कि फिर से दोबारा कोरोना लौट के आ रहा है। तो हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना चुनाव से डरता भी है, कोरोना हमको लगता है उत्तर प्रदेश में हो सकता है ना आए कोरोना। और इस समय तो माहौल ठीक चल रहा है, रोजी रोजगार चल रहा है इस समय, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें मुद्दों की तो क्या मुद्दे आज के समय में होने चाहिए? जैसे बात होती है मंदिर की, मस्जिद की, कब्रिस्तान की, शमशान की, ठीक है, वहाँ पे एक मुद्दा जो है बड़ा ही अहम मुद्दा होता है जो बेरोजगारी समय है, महंगाई है, इस पे बात नहीं हो पा रही है। तो क्या ये जो मुद्दे हैं जो रह जा रहे हैं इसकी भी कोई सुध लेने वाला है आज के समय में? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई है जी, दूसरा मुद्दा बेरोजगारी, पहले बेरोजगारी उसके बाद महंगाई। और महंगाई पे मुझे कहना है आदरणीय जो हमारे आला कमान है उनसे, अरे काहो मोदी का हक्का, अरे काहो मोदी का हक्का, कड़क तेलवा जैतून हो गई, काहो मोदी का हक्का, कड़क तेलवा जैतून हो गई, हर काहो मोदी काका, कड़क तेलवा जैतून हो गई, हरे अब का, हरे अब का सिलेंडर भरवई बा, अरे ई तो हजार से अब पार हो गई, काहो मोदी काका। तो जो गैस सिलेंडर बांटे गए हैं भाजपा सरकार में बांटा गया है, अगर हम उज्ज्वला की बात करें जी, तो जो सत्ताधीन पार्टी है वो दावे करती है कि हमने जो है इतने
लाभार्थियों को सिलेंडर बांटा है जी। लेकिन समस्या जो है वो ये आती है कि दोबारा वो फिलिंग नहीं हो पा रहे हैं, जो रिफिल की बात होती है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ जो है सिलेंडर बांट दिया गया और जनता के पास इतने पैसे नहीं है कि दोबारा उसको रिफिल करा पाए, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको हम तो देखते हैं कि पहले जो व्यवस्थाएं थी जो जैसे चूल्हे पे और गाय के गोबर पे जो हम लोग गांव पे बोलते हैं कंडी, उस पे लोग भोजन बनाते थे और अब वो भोजन बनना बंद हो गया। सबके घर में सिलेंडर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। ये तो कहते हैं कि आंखों में जो धुआं लगता है उससे आंखें खराब हो जाती हैं। जी आंखें खराब हो जाती थी, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी विज्ञान है जो जिससे गाय के गोबर को हम पवित्र मानते थे, उसके धुआं से हमारे आंखों के कीटाणु भी मर जाते थे। ऐसे भी तमाम वैज्ञानिक कहते हैं इसके बारे में कि गाय का गोबर, गाय का धुआं, गाय के गोबर का धुआं अगर अगर सुलगाया जाए उससे कीटाणु बैक्टीरिया मर जाते हैं, ये भी लोग कहते थे। लेकिन जब से सिलेंडर ये आया, मोदी जी ने सबको घर घर सिलेंडर पहुंचाया, उसके बाद ये महंगाई चरम सीमा पर 400 का सिलेंडर आज 1000 रुपए में बिक रहा है। और महंगाई समझिए सीधे सीधे, पहले तो सब्सिडी भी मिलती थी, सब्सिडी मिलती थी 61 रुपया, फिर 200 रुपया ऐसे करके, अब तो सब्सिडी भी खत्म हो गई। इसलिए आम जनमानस जो 200 रुपए पे काम करने वाला है, मनरेगा का मजदूर है, वो इस स्थिति में नहीं है कि हम सिलेंडर भरवा सके। पटरी के काम करने वाले जो एक दिन काम करेंगे, चार दिन बेचारे का रोजगार ही नहीं मिलेगा, ऐसी तमाम व्यवस्थाएं हैं समाज में। और तमाम शिक्षा और स्वास्थ्य पे सरकार का विशेष फोकस है और मैं चाहता हूँ शिक्षा और स्वास्थ्य अगर सुधर जाए तो हर चीजें सुधर जाएंगी, हर व्यक्ति खुशहाल हो जाएगा। तो एक लोक गायक जो है वो किसको सपोर्ट करना चाह रहा है? हम तो सोच रहे हैं हमारी प्यारी जनता, हमारा प्यारा जनमानस जिसे पसंद करेगा वो हमारे लिए भी हमारा राजा रहेगा। जी आपके लिए क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं? हमारे लिए मुद्दे तो दिखाई दे रहे हैं कि चारों तरफ से कि कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, लेकिन जो है वास्तव में कुछ अच्छा होने वाला है, मुझे लग रहा है जो होगा अच्छा होने वाला होगा। क्योंकि अरे दौड़त धूपत चप्पल जूता फाट गई ले बाबूजी, हरे नौकरी ना मिलल मनु चाट भैले बाबूजी। नौजवान परेशान है चारों तरफ से, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, भटक रहा, दर दर भटक रहा है। इसलिए हर जगह नौजवान यही कह रहा, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे फ्री का कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल रोजगार ही चाहिए। जी जी तो अमरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमको समय दिया, और हमारा चैनल आपका आभारी है और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला साल जो अभी चल रहा है ये एक नई खुशहाली लेकर आए और आप लोग गायकी में अपना नाम जो है, जिले का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम।